यात्रियों की सुविधाओं के लिए नगर निगम द्वारा बस स्टॉपेज शहर भर में बनाए गए थे, लेकिन इन दिनों यह बस स्टॉपेज कबाड़ की स्थिति में है। सभी बस स्टॉपेज जर्जर हालत में हो चुके हैं। निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए करीब 2.25 करोड़ की लागत से शहर के 17 स्थानों पर यह बस स्टॉपेज बनाए गए थे, लेकिन निगम ने रोडवेज के साथ बस रुकने का अनुबंध ही नहीं किया, जिस कारण यहाँ पर बस रुकना ही बंद हो गई। साथ ही यात्रियों ने भी यहाँ खड़ा होना बंद कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर बस स्टॉपेज को एडवर्टीजमेंट मिलने ही बंद हो गए, जिनके लिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन एडवर्टीजमेंट ना मिलने से कंपनी द्वारा इन स्टॉपेज का रख रखाव करना भी बंद कर दिया गया। आज इन बस स्टॉपेज की दयनीय स्थिति हो गई है, यहाँ पर कब्जा हो गया है। किसी बस स्टॉपेज पे दुकानदारों ने अपनी ठेले लगाने शुरू कर दिए हैं, वहीं कहीं जगहों पर कूड़ा डालना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। ऐसे में सभी के सभी 17 स्थानों पर बस स्टॉपेज की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, सभी जर्जर हालत में आजकल हो गए हैं। कैमरामैन किशन सूदन के साथ सागर कश्यप, जनवानी टीवी, मेरठ।